हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए आईटीआई ऑफिसर ट्रेनिंग की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उनके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों। और जहां तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जो सेशन चल रहा है हम उसको जल्द ही खत्म करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बहुत सारे दो पेपर के अधिकतर हमने कर लिए हैं, क्योंकि और अब समय इतना नहीं है कि हम प्रीवियस ईयर के पेपर में ही आपको बताते रहें। तो हम कोशिश करेंगे कि कल से जितनी भी क्लासेस आएंगी वो अलग थोड़ा पैटर्न होगा। पैटर्न कुछ इस प्रकार का होगा कि उन क्वेश्चनों पे हम ज्यादा जोर देंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये कंटेंट भी आपके लिए अच्छा ही होगा और हम एक नया कंटेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि समय इतना ज्यादा नहीं है आप भी जानते हैं इस चीज के लिए। तो चलिए अभी आज की जो क्लास है उसमें तो हम प्रीवियस ईयर के पेपर ही देखेंगे, उसके ही क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन कल से जो कंटेंट थोड़ा सा बदल जाएगा और क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा लेवल, ठीक है ना। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एमएस एक्सेल में एक रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन को खाली स्थान कहा जाता है, ठीक ना। तो याद रखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए तो आप इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं कि इन एमएस एक्सेल द इंक्रिप्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए रो और कॉलम को, रो और कॉलम के प्रतिच्छेद को क्या कहा जाता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा वर्ग भी हो जाएगा, रो सी हो जाएगा, सेल और डी हो जाएगा वर्ग सी। तो याद रखिए दोस्तों क्या कहा जाता है, उसको सेल कहा जाता है। आपने देखा होगा एक्सेल की सीट कुछ किस प्रकार होती है, तो कुछ इस प्रकार होती है। मैं अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा बना के बता दूं, इस प्रकार की होती ना, इसके अंदर जो इस प्रकार की जो ये कॉलम टाइप का होता है उसको हम सेल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों हमारा, निम्न में से क्या हार्डवेयर नहीं है, आपको बताना है इनमें से हार्डवेयर कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्कैनर, बी हो जाएगा इंटरप्रेटर, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रिंटर, और डी हो जाएगा माउस। तो हार्डवेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसको आप हाथ से छू के स्पर्श करके देख सको उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं, और सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं जिसे आप हाथ से छू ना सकते हो दोस्तों, केवल देख सकते हो, उसको स्पर्श करके नहीं कर सकते हो। तो याद रखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं हार्डवेयर इनमें से कौन नहीं है, तो याद रखिए इंटरप्रेटर नहीं दोस्तों। क्या नहीं है, इंटरप्रेटर नहीं, ये हमारा कोई भी हार्डवेयर नहीं है। बाकी स्कैनर को आप हाथ से छू के देख सकते हो, प्रिंटर को भी आप हाथ से छू के देख सकते हो, माउस को भी आप हाथ से छू के देख सकते हो, लेकिन इंटरप्रेटर को दोस्तों, किसको, इंटरप्रेटर को आप हाथ से छू के नहीं देख सकते हो। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी हम देखते हैं थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन है, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। बिल्कुल देखिए, आईटीआई का जो आईटीआई ट्रेनिंग का जो आपका जो एग्जाम है वह कोई इतना ज्यादा टफ नहीं होने वाला है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। क्वेश्चन अच्छे ही लेवल के आएंगे और कल से जितनी भी क्लासेस हमारी रहेंगी और संभवतः वो बहुत ही अच्छी लेवल की क्वेश्चन की सीरीज हम लेकर आएंगे, और हम केवल उन्हीं क्वेश्चनों पे आप जोर डालेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में काम आएंगे। तो यहाँ पर हमको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, बी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सी ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो याद रखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये तो एक हमारा सॉफ्टवेयर है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी हमारा वर्ड भी एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेल भी हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तीनों के तीनों हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये हमारा दोस्तों क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन है दोस्तों, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है दोस्तों। विंडोज 10 भी होती है, 11 भी होती है, 12 भी होती है, बहुत सारे इनके वर्जन आते हैं अलग अलग। चलिए अब 34वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कौन पहले कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, यानी कौन है वे, उस व्यक्ति का नाम बताना है जो पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में या उनको इस नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल गेट्स, बी हो जाएगा लीडी एडा लेबलेस, और सी ऑप्शन हो जाएगा वॉन न्यूमैन, और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा चार्ल्स बैबेज। तो याद है कि दोस्तों, तो पहले कंप्यूटर जो प्रोग्रामर के रूप में किसे जाना जाता है, तो लेडी एडा अगस्टा को जाना जाता है दोस्तों। कहीं कहीं पर आपको लेडी एबलेस भी मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको लेडी एडा अगस्टा ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि बताइए पहली महिला प्रोग्रामर कौन थी, तो लेडी एडा अगस्टा थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 35वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं।
उसके पहले दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आपके सपोर्ट और सहयोग से ये क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं इतने टाइम से, और थोड़ा सा और आप लोगों से सपोर्ट के लिए बोलूंगा। और कल से बिल्कुल पैटर्न चेंज हो जाएगा, अलग लेवल के क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना समय का, प्रतिदिन क्लास सुबह 9 बजे हम आपके लिए पब्लिश करते हैं, ठीक ना। चलिए तो 35वें नंबर का क्वेश्चन है, समस्या समाधान का चित्रात्मक निरूपण यानी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है दोस्तों, ये आपको बताना है क्या है। यानी क्या दोस्तों, समस्या का समाधान का जो चित्रांकन करते हैं, जो निरूपण करते हैं दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा पिक्चर, बी हो जाएगा ऑब्जेक्ट, सी हो जाएगा एल्गोरिथम और डी हो जाएगा फ्लो चार्ट। तो याद रखिए दोस्तों क्या होता है, जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हो, फ्लो चार्ट बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, दिक्कत नहीं किसी को। चलिए अब 36वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 36वें नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, भी बी ए में एक कॉम्बो बॉक्स इनको संयोजित करके बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेवल एवं टेक्स्ट बॉक्स, बी हो जाएगा लिस्ट बॉक्स एवं टेक्स्ट बॉक्स, और सी नंबर का हो जाएगा यहाँ पर हमारा बटन टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है ना। इसके बाद डी हो जाएगा लेवल एवं इनपुट बॉक्स। तो याद रखिए दोस्तों, जो भी बी ए में एक कॉम्बो बॉक्स बनाया जाता है, इनको संयोजित करके बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट बॉक्स एवं टेक्स्ट बॉक्स दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, लिस्ट बॉक्स एवं टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, एंड हमारा जो 37वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या कहता है, फंक्शन का उपयोग डेटा लेवल बनाने के लिए किया जाता है। तो आपको बताना है खालिस्तान किस फंक्शन का उपयोग करके डेटा लेवल बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेबल, बी हो जाएगा एवरेज, सी हो जाएगा एड और डी हो जाएगा काउंट। याद रखिए दोस्तों, फंक्शन का उपयोग करके टेबल बनाते हैं, तो टेबल ही फंक्शन का उपयोग करके हम क्या करते हैं दोस्तों, टेबल बनाते हैं दोस्तों। क्लियर है यहां तक, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 38वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, याद रखिए कल की क्लास देखना ना भूलें, कल प्रतिदिन 9 बजे क्लासेस हम आपके लिए लाते हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा सपोर्ट सहयोग कर दिया तो हम आपके लिए वीकली टेस्ट लाने की कोशिश करेंगे। बस थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके जो इसकी तैयारी कर रहे हैं ITI TO की, उन तक ये क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा प्रीवियस ईयर का, वो क्या कहता है, निम्न बटनों में से किस में मदद यानी हेल्प मेनू उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विंडोज, बी हो जाएगा हमारा पुनः प्रारंभ यानी रीस्टार्ट, बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों टर्न ऑफ, और डी हो जाएगा स्टार्ट। सभी को पता है नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हेल्प मेनू किस में होता है दोस्तों, स्टार्ट में होता है दोस्तों, किस में होता है, स्टार्ट में होता है। चलिए 39वें नंबर का क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, एंड 39वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि VBA इवेंट के प्रति खालिस्तान का उपयोग कर उत्तर देता है दोस्तों। VBA के इवेंट के प्रति खालिस्तान का उपयोग कर उत्तर देता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेक्स्ट प्रोसीजर, बी हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोसीजर, सी हो जाएगा इवेंट प्रोसीजर और डी हो जाएगा कोड वर्नर दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, इवेंट प्रोसीजर यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्लियर है यहां तक, दिक्कत तो नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कल से कंटेंट बिल्कुल बदल जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब हम बंद कर देंगे, अब हम उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आने लायक है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब 40वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, डेटा का अल्टरिंग है ताकि जब तक इसका प्रयोग नहीं किया जा सके, जब तक अल्टरेशन अंडन ना हो दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है तो इंग्लिश भी यहाँ पर दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा बायोमेट्रिक, भी हो जाएगा इनक्रिप्शन और सी ऑप्शन हो जाएगा डिफ्रेमेंट और सी डी ऑप्शन हो जाएगा कंप्रेशन दोस्तों। याद है कि दोस्तों डेटा का अल्टरिंग है ताकि, कौन है दोस्तों, इनक्रिप्शन है दोस्तों, इनक्रिप्शन डेटा का अल्टरिंग है ताकि जब तक इसका प्रयोग नहीं किया जा सके, जब तक उसको अल्टरनेशन अंडर ना हो दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, दिक्कत नहीं किसी को। चलिए तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं, हमने ज्यादा आज क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, लेकिन कल से जो क्लास का टाइम है वह सुबह 9 बजे का है। कब का है, सुबह 9 बजे का है, याद रखिए। कल से कंटेंट और के जो कंटेंट है बिल्कुल बदल जाएगा, और सॉरी चलिए कल से जो कंटेंट बदल जाएगा, क्वेश्चन केवल उन्हीं को कराएंगे जो आपके एग्जाम में आने लायक होंगे दोस्तों। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। जब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।